नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन में तमाम नई और बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सोनम राज। इस वक्त के बुलेटिन में आपके साथ। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति में हुआ है सुधार। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राज्य की हुई रैली पर साधा निशाना। गांधी प्रताप के रूप में नए राजनीतिक जोकर का हुआ है पदार्पण। बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम मामले में धांधली को लेकर भड़के छात्र। सीएम से मिलने की मांग को लेकर सर्कुलर रोड पहुंचे अभ्यर्थी। भाजपा नेता नितिन नवीन की गाड़ी को घेरा। और पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र नाथ वर्मा। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति में अब काफी सुधार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में वर्षा के नहीं होने के कारण प्रभावित क्षेत्रों से पानी निकलने लगा है। इसके साथ ही प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुंचाने का प्रशासन का प्रयास भी काफी तेज हो गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद प्रशासन में काफी चुस्ती देखी जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने बाढ़ से हुए नुकसान का सही आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम का आश्वासन दिया है। उधर केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बिहार में बहने वाली सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। गंगा नदी के जलस्तर में कमी आने का सिलसिला जारी है और यह बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर खतरे के निशान से नीचे है। उधर आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य में बाढ़ से 42 और लोगों के मरने की खबर है। इसके साथ ही अब तक मृतकों की कुल संख्या 482 हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र नाथ वर्मा की पुण्यतिथि पर सोमवार को उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। राजधानी पटना के श्री कृष्ण स्मारक भवन परिसर में आयोजित राजकीय समारोह में पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा है कि राज्य सरकार कलाकारों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुंगेर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कला संस्कृति विभाग के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा कि कलाकारों को अवसर प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से हर जिले के कलाकारों की सूची मंगाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए सरकार उचित कदम उठा रही है। बनाना चाह रहे हैं कि कला के क्षेत्र में बिहार को पहले से कुछ और भी कर रहा है। हम लोग नई नई सभी जिलों से जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो ही नीचे जो भी कलाकार मौजूद हैं, हम लोग चाहते हैं उसको एक सही प्लेटफॉर्म मिले। हम लोग कई बार चिंता करते थे कि अदर स्टेट में सभी खेलों का प्रदर्शन हो रहा है, हम समझते बिहार में भी होना चाहिए, इसलिए हम लोग उस क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत खगड़िया के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पार्षद के अध्यक्ष कुमारी श्वेता भारती ने किया। इस मौके पर जिला पार्षद के अध्यक्ष ने किसानों को संकल्प से सिद्धि की शपथ दिलाई। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी दिनकर प्रसाद सिंह ने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला देते हुए बिहार में लागू शराबबंदी कानून के मद्देनजर ये फैसला सुनाया कि शराब के कुछ बचे हुए स्टॉक्स को बिहार से ले जाने की अनुमति नहीं है। वहीं बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि अब तक कुल 200 करोड़ के पुराने शराब के स्टॉक्स को नष्ट किया जा चुका है। भागलपुर के सृजन घोटाले की जांच अब काफी तेज हो गई है। एक तरफ जहां सीबीआई दस्तावेजों को खंगालने में जुट गई है, वहीं दूसरी ओर जेल में बंद आरोपियों की मेडिकल जांच भी की जा रही है। इसके साथ ही सीबीआई के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी घोटाले पर संज्ञान ले लिया है। वहीं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले की जांच में बहुत जल्द ही जुट जाएगी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने रविवार को राजद की आयोजित रैली भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि रैली में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के रूप में नए राजनीतिक जोकर का पदार्पण हुआ है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने शरद और गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेताओं के साथ अपने बड़े बेटे तेज प्रताप का भाषण करवाकर इन तमाम बड़े नेताओं को उनकी औकात दिखा दी है। आरोप जो था जिसके आधार पर हमने गठबंधन तोड़ा था उसकी पुष्टि भी हुई
कि हमने कहा था कि जो आरोप लगा है बिंदुवार उसका जवाब दीजिए बेनामी संपत्ति का। नैतिक बल इतना भी नहीं था कि अपने समर्थकों को भी ये बता पाते कि हमने राजनीति को जो व्यवसाय बनाया इतना बड़ा संपत्ति का आवरण कैसे खड़ा किया। और कटु सच्चाई सामाजिक न्याय का एहसास भी हुआ कि पाखंडी लोग एक भी दलित अति पिछड़ा कुशवाहा समुदाय के लोगों को बोलने तक नहीं दिया, जुबान खोलने नहीं दिया। यादव से भी बड़े नेता उभर करके आ गए शंख बजाने वाले। बजाते हो शंख और करते हो राजनीति में हुड़दंग, राजनीति के लंपटीकरण का काम करते हैं, जनता सब कुछ देखती है। सोमवार को बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम मामले में परीक्षा में हुई धांधली से नाराज उम्मीदवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके सर्कुलर रोड स्थित पहुंचे, जहां उम्मीदवारों ने बीजेपी विधायक नितिन नवीन की गाड़ी को घेर लिया। हालांकि बाद में पुलिस ने प्रतिबंधित इलाके से उम्मीदवारों को बाहर निकाल दिया। और अब बात राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आरोपों की, जिन आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि उनके सारे आरोप निराधार हैं। बाढ़ बांध टूटने से नहीं आई है, जबकि नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार पटना रांची आने जाने के कारण राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव मानसिक तनाव में है। वही रैली में कम लोगों के आने पर उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि फोटो शॉप की मदद से सिर्फ भीड़ दिखाई गई है, जबकि रैली में ज्यादा संख्या में लोग नहीं उपस्थित थे। अब लालू जी बोल रहे हैं, उनको बोलने की आदत है, और ऐसा हमको लगता है कि उनको बोलने का कोई जहां से समझ में आया वो अपना कुछ बोल रहा है, क्योंकि बाढ़ देखे कहां बिहार का, न किशनगंज का, कटिहार का, अररिया का, न चंपारण का, न बेतिया का, न मोतिहारी का, न सुगौली का, कहीं का बाढ़ तो देखा नहीं उन्होंने। वो तो लगे हैं दूसरे काम में, और उस काम में लगे रहने के कारण उनको थोड़ा मानसिक तनाव भी हो गया है। रांची पटना, पटना रांची, सुबह में आना शाम में जाना, तो इसके कारण थोड़ा मानसिक तनाव में भी है। तो मानसिक तनाव में रहने के कारण जो फ्लैश फ्लड है उन्होंने उसको बाढ़ का रूप दे दिया। तो इसलिए लालू जी की बात पर हम लोग कोई प्रतिक्रिया इसलिए भी नहीं देते हैं क्योंकि वो गंभीर कवि रहे नहीं। बिहार में आई भीषण बाढ़ से परेशान लोगों के लिए सोमवार को सामाजिक संगठनों के द्वारा राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई, जिसे बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि यह संगठन लखनऊ का है, यहाँ का नहीं है, जबकि संस्था का पता रोहतास का दिखाया जा रहा है। इस वक्त के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।